तो यार इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बर्फानी इलाकों में लोग कैसे रह सकते हैं। यहाँ पे भाई उन्हें बेफलो वगैरह भी रखी होती है, ये सब कुछ रखे होते, डोगी भी रखे होते। तो ये इनको भाई इनका गोबर्स निकाल के बर्फ़ के ऊपर, जो कि भाई जम जाता है और बाद में सख्त हो जाता है इसे, और इसको बाद में वो जलाते हैं। इस वीडियो में भाई बर्फानी इलाकों की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया कि वो कैसे उन्हें पानी वगैरह कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को कहाँ से वो पानी वगैरह पिलाते हैं भाई इस वीडियो में एंड तक। तो जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे। तो कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसी बनी है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं भाई ये घास वगैरह कैसे उनको डालते हैं, उनको सेफ्टी के लिए भाई उन्होंने कैसे रखा हुआ है कि पूरे गर्म इलाके में उनको भाई वो तो, और ये किसी भी चीज़ को भाई मेल्ट करने के लिए बस बर्फ़ के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो भाई गोश्त भी मेल्ट हो जाता है। तब ये गोबर की वजह से भाई पकाएंगे, जो कि गोबर इस्तेमाल करते हैं। आप पूरी वीडियो में ये सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब ने फिश पकड़ी और फिश को तैयार कर रहे हैं, जो कि खुद भी खाएंगे और साथ अपने दो पालतू जानवर जो कि कुत्ते हैं, डोगी इनको बोला जाता है, उनको भी खिलाएंगे। तो ये भाई इन्होंने चूल्हा तैयार किया हुआ है, जिसकी वजह से खुद भी और ये इनकी होगी मछली भाई तैयार। अब ये भाई इनकी फिश तैयार हो गई है जो कि देख सकते हैं, और ये खुद भी खाएंगे और साथ में भाई उनको भी खिलाएंगे। तो ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है यार। ये भाई साहब ने लगाया मसाला और ये फिश को रख दिया भाई पकने के लिए, और ये बन गए उनके बीफ कबाब। और ये उनके कबाब तैयार हो गए। अब वो तो भाई साहब खाने लगे हैं और हमें भी भूख लग गई, अब तो हम भी कुछ खाएंगे यार। ये भाई उन भाई साहब ने बेसमेंट में गोश्त वगैरह रखा होता है। और भाई ये भाई ने बना लिया सूप, जो कि इनका फुल डिनर भाई तैयार हो चुका है। अब मुर्गी हर चीज़ भाई ने बना लिया, क्योंकि आज इन्होंने किसी की दावत की थी और वो दावत वाला बंदा मैं हूँ। तो आज भाई आपके भाई की तरफ दावत है और आज हम दावत पे जाएंगे।